फंबल हो गया ना। गाइज, ये नेचर भी कितना खूबसूरत है ना, इसमें बर्ड्स हैं, ट्रीज हैं, एनिमल्स हैं, तो क्यों ना हम नेचर से इंस्पायर्ड कुछ बनाएं। सो आज मैं बर्ड्स को पेंट करने वाली हूँ, वो भी गोंड आर्ट में। सो डू यू नो व्हाट इज गोंड आर्ट? नहीं पता? ओके, लेट मी टेल यू, लेट्स गो। सो गोंड आर्ट एक प्राचीन भारतीय कला है जो मध्य प्रदेश स्टेट के गोंड जनजाति के लोगों द्वारा बहुत ही पुराने समय से बनाया जा रहा है। इस कला में नेचर के जो दृश्य होते हैं और एनिमल्स होते हैं या गोंड जनजाति की जो संस्कृति होती है और उस संस्कृति के जो एलिमेंट होते हैं उन्हें इस पेंटिंग में दर्शाया जाता है। इसका नाम गोंड जनजाति के नाम पर ही रखा गया है। गोंड आर्टवर्क की उत्पत्ति की कोई निश्चित कथा तो नहीं है, लेकिन इससे जुड़े कुछ लोग ये मानते हैं कि ये कला बहुत ही पुराने समय से चली आ रही है। सो गोंड कला में गोंड जनजाति के लोगों द्वारा अपनी संस्कृति और प्रकृति का जो वातावरण है उसके प्रति अपने इमोशंस को व्यक्त करना ही गोंड कला का मेन मोटिव होता है। सो एज अ सेट कि गोंड आर्टवर्क को गोंड जनजाति वाले बहुत ही पुराने समय से बनाते आ रहे हैं। वे अपने घर पे पेंटिंग्स क्या करते थे, जब भी कोई फेस्टिवल होता था या उन्हें कुछ अपने इमोशंस व्यक्त करने होते थे तो वो पेंटिंग्स के थ्रू अपने इमोशंस को व्यक्त किया करते थे। आज के ज़माने में गोंड आर्टवर्क बहुत ही वर्ल्ड वाइड फेमस है और इसे फेमस करने का श्रेय जाता है श्री जंगल श्याम जी को, जो कि गोंड आर्ट के बीच में पितामह कहे जाते हैं। सो गोंड आर्टवर्क बनाने में मेरी इंस्पिरेशन भी जंगल श्याम जी ही हैं। उनकी पेंटिंग्स को देखकर ही, उनसे इंस्पिरेशन लेकर ही मैंने पेंटिंग करना सीखा है और गोंड आर्ट को बनाना सीखा है। बाय द वे, अभी जो मैं इसमें पैटर्न्स डाल रही हूँ इस पेंटिंग में, ये तीन पैटर्न ही डलते हैं इसमें। एक है लाइन पैटर्न, एक है डॉट पैटर्न और एक है सर्कल पैटर्न। हमें इसे ही मॉडिफाई कर करके गोंड आर्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है। सो इस पेंटिंग में मैंने सारे एलिमेंट ऐड कर लिए हैं, पेंटिंग हो गई है, पैटर्न्स ऐड हो गए हैं, लीव्स भी ऐड हो चुके हैं और ये पेंटिंग लगभग कंप्लीट हो चुकी है। टाडा! उल्टा पकड़ ली। सो ये रही हमारी पेंटिंग, इसमें बर्ड्स हैं, ट्री है जिसे मैंने अभी अभी गोंड आर्ट में कन्वर्ट किया है, और ये देखिए ये रही पेंटिंग। सो इफ यू लाइक दिस पेंटिंग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को भी शेयर करें, चैनल को भी शेयर करें एंड कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये पेंटिंग कैसी लगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।